हर जुल्म को झेलेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, इस कौम की खातिर सूली चढ़ जाएंगे। हर जुल्म को झेलेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, इस कौम की खातिर सूली चढ़ जाएंगे। चाहते हैं हम इसे बढ़कर अपनी जान से, खून का रिश्ता जोड़ा है हमने पाकिस्तान से। अवाम की खातिर तकलीफें काटी हैं हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारा पहला बजट इजलास था जिसमें तमाम दोस्तों ने शिरकत की। इसमें हमारे एक जमात इस्लामी के कुमार दावा साहब जिसके वेब से ताल्लुक रखते हैं, जिसके लॉकडाउन से वो ना थे, उनकी कोई इजाज़त नहीं हमारे से नहीं आ सकी। दूसरा सुरेश जो हमारे ट्रांसजेंडर है वो भी नहीं आ सकते थे, उनकी भी कोई जाती थे। और हमारे वाइस चेयरमैन नहीं पहुँच सके आउट ऑफ कंट्री थे, हमने पहले बताया था। तो बाकी हमें जो बजट का इजलास समझे तकरीबन 13 मेंबर में था और इंतजाम मौजूद थे, अकाउंटेंट ऑफिसर मौजूद थे यहाँ पर, इनकी मौजूदगी में ये बजट इजलास हुआ है और बड़ी भारी हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का, यहाँ पर पी टी आई के दोस्तों मौजूद थे, उन्होंने भी बिना किसी इजलास के अप्रूव किया। और जमात इस्लामी के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्हें बिना एतराज़ के उन्होंने भी अप्रूव किया। और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों का जिनने बाकायदा बिल्कुल ही बगैर किसी एतराज़ और इन शाह हम इसी तरह साथ चलेंगे, बिना नसल तफरीक के हम साथ चलेंगे, बिना रंग व नसल बिना किसी जमात के आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। अगर इसी तरह दोस्त हमारे साथ रहे तो इन शाह हम बाकायदा खूब तरीके से खिदमत करेंगे आवाम की, और इसके साथ साथ अपने टाउन को एक मिसाली टाउन बनाएंगे, ऐसा टाउन बनाएंगे जो पूरी कराची में एक मिसाल होगा। और इन शाह उम्मीद है कि जब हम बजट रिव्यू में जाएंगे, अभी जो हमारा बजट हुआ है 52 करोड़ 50 लाख रुपये का हुआ है, तो इन शाह मुझे उम्मीद है जब हम रिव्यू में जाएंगे तो हम 1 अरब से ऊपर जाएंगे, क्योंकि तब तक अब जो बजट बना है वो तकरीबन अंदाजन बना है। अंदाजन इस हवाले से हमने तमाम दोस्तों से मशवरा किया, तमाम अपने अकाउंट ऑफिसर से इस हिसाब से हम बैठे मशावरत की हमने, और देखा हमने कि हमारा क्या रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को देख कर पॉजिटिव का, तो तमाम चीज़ें देख कर हमने ये बजट बनाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे इसको और हम मेहनत करेंगे, हमारे ऑफिसर मेहनत करेंगे, हमारी टीम मेहनत करेगी, तो इंशाल्लाह एक भरपूर बजट बनाएंगे और भरपूर हम यहाँ पर डेवलपमेंट के अपने जो फंड्स होते हैं वो रखेंगे, और तमाम जो हमारे इख्तियारात में आते हैं इंसानी हकूक के हवाले से जो खदमात आती हैं हम भरपूर तरीके से अदा करेंगे। पहला बजट का कीमती सफर रहा था जिसमें हमारे सारे काउंसलरों ने तआवुन किया और मशावरत से उन्होंने बजट बनाया है, सर ने पास किया है। इंशाल्लाह के लेकर चलेंगे, 3 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर हम बैठेंगे, उसमें जो कमी पेशियाँ हैं वो दूर करेंगे, और उनका साथ और हमारा साथ रहा उस टाउन को इंशाल्लाह हम साहब ने जैसे कहा मिसाल टाउन इंशाल्लाह बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि आज तमाम दोस्तों ने एक मुत्तफ़िका राय के साथ एक सरजोड़ बैठक की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े इत्तेफाक से इस बजट को पास किया गया। और लाजमी बात है कि हर चीज़ डिमांड तो इंसान की पूरी नहीं होती, कुछ जो अहम ज़रूरतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बजट पे सबने हामी की, सबने एक रब्बे कहा तो मुत्तफ़िका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चेयरमैन साहब की निगरानी में जो बैठक हुई है तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़े प्यार मोहब्बत से इस बजट को पास किया और हम इस बजट से मुतमईन हैं, और चेयरमैन राशिद खासखेली साहब की क़यादत पे हम मुतमईन हैं। जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं तमाम दोस्तों को बिला तफरीक, वो खिदमत कर रहे हैं तमाम मेम्बरान की और सबकी सुन रहे हैं और सबकी राय लेते हैं, उसके बाद
अपना जो भी है राय देते हैं बाद में, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा सरबराह होगा तो इंशाल्लाह ताला ये टॉन मसाली बनने से कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान के। सिकंदर बलोची के वाइस चेयरमैन, बड़ा अल्लाह का शुक्रिया, ये हमारा पहला अगली बजट है जिसको हमने सब ने बुनियादी तौर पर पास किया है, और जो हम 8 महीने पीछे भी गुजारे हैं अल्लाह का शुक्रिया कि हमें टीम के रूप में गुजारे, हमें कभी ये मालूम नहीं हुआ कि हम अपोजिशन हैं बड़ा, आइंदा भी इंशाल्लाह हम बेहतर की तरफ जाएंगे और टाउन को एक खूबसूरत टाउन बनाएंगे। बिस्मिल्लाह, आज के बजट के हवाले से बड़ा अच्छा रहा और एक इतफाक तौर पर पास हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे टाउन में सारी तौर पर काम होगा, और इसके साथ हम जो है इसके लिए टाउन चेयरमैन साथ टाउन चेयरमैन से भी देखें साथ लेकर चलेंगे, और इन शाला 4 साल काम करेंगे, तो टाउन चेयरमैन का बहुत शुक्रिया, टाइम भी बहुत कम था तो इसलिए चमक रहा था, बहुत अच्छा रहा। जैसे कि हम आज टाउन मेम्बरान सारे एक साथ शिरकत करके बैठे हैं और बजट के हवाले से हमारी आज मीटिंग थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह चेयरमैन साहब और हम तमाम मेम्बरान की मुंतखब यकजहती के साथ इत्तेफाक के साथ इस बजट, तो इंशाल्लाह हम अपने टाउन को संवारेंगे और खूब मिलके एक साथ मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारा पहला बजट इजलास था टाउन का, जो माशाल्लाह से टाउन चेयरमैन राशिद कासमी साहब की क़यादत में मुतफक्का तौर पर अनअपोज मंजूर हुआ, तो इंशाल्लाह इसी तरह 4 साल हम साथ इत्तेफाक से इंशाल्लाह गुजारेंगे और आवाम की फलाह और उम्मीद के लिए इसी तरह काम करते हैं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सपोर्ट टाउन राशिद कासमी साहब के हम मुतफिक हैं, और जो आज का हमारा ये बजट का इजलास था ये मुतफ़िका मंजूर हो चुका है, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दिया तो हम 4 साल इनके क़यादत में बिल्कुल इसी तरह मुतफिक चलेंगे, और इस टोन को एक मिसाली टोन बनाएंगे सपूरा टोन को, जो दुनिया देखती रहेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और हमारे हम अपने टाउन चेयरमैन की क़यादत में हम मुतफिक हैं, और जो उन्होंने बजट बनाया है उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, और उस हिसाब से तमाम दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने इस पर इतफाक़ी राय से इसको पास किया है, उस सबका बहुत कांगड़ा बजट की हैसियत से हमें जो भी टी एम सी सतपुरा का पहला बजट बनाया है वो अपनी जो भी फंड हैं उसके मद्दनज़र रखते हुए फर्स्ट टाइम हमने ये बजट बनाया है और काउंसिल में पेश किया है, और इसमें हमने बहुत कोशिश की है कि अपने अखराजात और अपना आमदन के हिसाब से बजट को पेश किया ताकि हम काउंसिल में बेहतर से बेहतर काम कर सकें, और इसको हम इस काउंसिल ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लकराय से मंजूर कर लिया है, और चेयरमैन साहब ने सदारत में हम इसमें मजीद देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी रेवेन्यू अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत जी तोड़ कोशिश करेंगे, और इस सफ़ुरा को एक बेहतरीन टाउन बना के मिसाल कायम करेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।